पालना सीख अपने गमों को। कुरान से बातें किया गया, तुझे किसी की जरूरत नहीं, ये काफी है। अल्लाह घिना मांग अल्लाह। लोग सवाल करते हैं आज मशरक से मगरब तक हमें हजारों मैसेजेस आते हैं, ये बताएं मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं, मैं डिप्रेस हूं, फलाने ने धोखा दे दिया, बेवफाइयों के बाप। ये कुरान, कुरान बड़ा गया। मैं जब अल्लाह के घर गया, रब तो रब ताला लेके गया मुझे पहली दफा, जब नया नया मेरा चेंज आ रहा था, लोगों ने अजीब बातें की हुई, बैतुल्ला जाओगे ऐ हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिजलियाँ कड़क रही है जी। मैं अमेरिका से आया, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, ये क्या क्या है सिलसिला, सीधा साधा अल्लाह बनाया सी। मैं जब थक गया इस दुनिया से सारी रंगीनियाँ देखने के बाद, मैं बैतुल्ला के अंदर अल्लाह ने किया सी, बल्कि मैं वहाँ पे जो ना पहले गया ना तो कुछ हुआ ही नहीं, लोगों ने ऐसी चमत्कारी बातें की। तो एक उम्मुल कुरा के शेख थे वहाँ पे, बाफात के पास उलमा बैठते थे, मैं गया, मैंने पूछा, मैं क्या, मैं बहुत दूर से गया, मुझे रोना नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब मैं इतना खर्चा भी किया, थोड़ा दुनियादार था ना, नहीं नहीं दाढ़ी थी वो, दिल मुझे रोना नहीं आया, वो समझ गया गहरा आदमी था, ये बहुत गहरे हैं, अभी आप इनको उस तरह नहीं जानते, इस तरह जानते हैं, ये देखने में आपको शायद कुछ और लगेंगे, ये बड़े मुख्तलिफ लोग हैं, हिंग का कैद आसमान वाली जानते हैं, अहलो लर्द नहीं समझ सकेंगे इन लोगों। उसने कहा मुल्तज़म पे जाए, वहाँ जाके कुछ कहे, शायद अल्लाह ताला रहम करेगा। अब हम गए आगे हजरत अस्वद के आगे, कुश्तियाँ चल रही हैं, हमने कहा हम अल्लाह के घर में तुझे नहीं कर सकते। मुल्तज़म के पास में गया, अल्लाह खुद ही ले गया, किसी को धक्का नहीं दिया मुसलमान, बस दिल से कुछ ऐसे ही कलवे निकले, अगर तू है तो मेरी मदद कर दे कुछ, मैंने को समझ नहीं आता पूरा लाइफ। हम वापस आए मकाम इब्राहिम पर, आंसुओं के दरिया बहा दिए अल्लाह ने हमारी आंखों से, और उधर एक जुमला दिया था, मैं डील की बात पर किस्सा सुना रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं मानना चाहता, ये मत समझिएगा, या तुम बसन फैन नजन अक्सर लती सीख दे, गुमान नहीं कर, ये जुमले थे टूटे फूटे, मुझे इल्मी इबारतें भी नहीं पता था, गुफ्तार का गाजी भी नहीं था मैं उस टाइम, बस सीधे साधे जट किस्म के मैंने जुमले दिए, अल्लाह ने ही निकलवाए होंगे। मैं कह ये दो टांगे हैं, दो हाथ हैं, एक मुँह है, आई कैन स्पीक रियली गुड इंग्लिश, आई हैव बीन लिविंग इन द US फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मैं बोल सकता हूँ, कोई मैं काम कर सकता हूँ, मुझसे कोई काम ले ले अल्लाह, आंदा छांदा मैंने कुछ नहीं कर। आज देखें मैं हाफिज मसूदार साहब का बैठा हूँ, मेरा काश मेरे वो लोग देख सकते जिन्होंने मुझे इतना इतना इतनी बातें की, देखें आज मैं अपने हीरो के साथ बैठा हूँ, मैं मेरा इतना कद नहीं है, मैं शेख साहब के सामने इतना कलाम कर गया, मेरी इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, देखें अल्लाह कहाँ ले गया, इस तरह निकाला था इन्होंने अपनी मसनदों से हमें। हैं बेटा जिसका कोई नहीं होता ना, और अल्लाह होता, याद रख अल्लाह इबारत की गलती भी माफ कर देता है। दलील देते हैं हम आपको, ऊँटनी खो गई ना, ऊँटनी खो गई उसकी सहरा में, निकल गए अल्फाज गलत, आगे पीछे हो गए जुमले, तकदीम ताखीर खत्म खराब हो गई, वाना रब निकल गया ना मुझसे गलती से, कि तू मेरा गुलाम है मैं तेरा रब, कुफरिया जुमले निकल गए ना, अल्लाह की तसीब दिल देखो, दिल देख नीयत चाहिए अल्लाह, ये दीन ये कुरान ये सीने में आता है, ये घर तलाश करता है, ये तुम आलिम नहीं बनते, ये तुम्हें सेलेक्ट करता है, तुम नहीं इसके ऊपर, इस पर किसी का घोड़ा नहीं चल सकता, ये इंतखाब करता है सीने का, अंदर आता है कुछ अरसे रहता है, चार चीजें सिखा देता है इंसान, अगर उसे वो चीज मिल गई जो सदियों से एक सिलसिला है, फिर बैठता है उसे, और वो है आज, वो है लोटे, वो है चप्पले, वो है खिदमत अपने बड़ों को, वो है इन दरसगाहों के अंदर, ये है वो सिलसिला, ये है वो सिलसिला जो क्यामत तक जारी सारी रहेगा।
चाहे ये जितना छोटा ही क्यों ना हो जाए, इस दुनिया के अंदर अगर किसी चीज पर अल्लाह की लानत नहीं है तो वो सिर्फ वो खिता है जहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं, और कोई खिता ऐसा नहीं है जिस पर रहमत का दावा कर सके कोई, सिवाय उसके जो कुरान पढ़ और पढ़ा रहा है। इनकी खिदमत करके भी शायद इस सिलसिले के साथ भी अगर बैठ जाओ ना, बुखारी की हदीस है, एक पापी भी आके सिर्फ इनके साथ बैठ जाए ना तो फाइल जाती है ऊपर। अल्लाह का सारा हिसाब किताब लेके पूछता है तो वो कहते हैं ये, फिर वो एक और एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक ये भी आ गया था गलती से यहाँ पर, आंधा शांधा इन कुछ नहीं हैगा, तो वैसे ही आके बैठ गया था। अल्लाह अल्लाह वालों की बात चलती, अच्छा जाएनु भी माफ कर दे, फैसला आपका है। मैं बात खत्म करने लगा, बहुत लंबा हो गया, माजरत से, फैसला आपका है। मैं ना मेरा बाप आलिम, ना मेरे बाप दादा आलिम थी, मेरा कोई सिलसिला नहीं है इस कबीले से, मैं पहला हूं अपने खानदान में जिसने शायद ये शुरुआत की। अल इल्मु युरफु बिहा अहवालु सनदि वल मतन मिन हैसल कबूली वरत, मैं शायद पहला हूँ जिसको शायद ये तौफीक मिली है। बाप दादाओं से सिलसिला नहीं है, मेरी मरूसी इतनी है, बड़ी जंग लड़ी है उन खानदानों में, बहुत जंगे लड़ी है, इस छुप के जाना पड़ता था मदरसों में पढ़ने के लिए, लेकिन तो हम लोगों को गिले हैं, लोगों को गिले हैं दीनदारों से। आपको क्या कि हमने तो रोपड़ी खानदान में शादी किया है, हमने तो मौलवियों के घर में शादी किया है, हमसे ज्यादा कौन जानता होगा, गिले हैं आपके। आपको नुक्ताचीनी करनी है एलएम के ऊपर, इस कबीले के ऊपर आपकी 100 किस्म के तजावीज आ जाती हैं, मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, फलान होना चाहिए, ए इम्तिजाज होना चाहिए, गर्बी शर्की यही आइडिया। डील फाइनल कर, साइड चूज करें, वफा इसी चीज का नाम है, दे दिया तो दे दिया, खला फिर वो शर समझाया जाता है, देखा जाता है, उसे मिंबरों पे एक्सपोज नहीं कराया जाता। रोहमाओं बहनों का उसूल ही यही है कि अपने घर की गलती को घर में दुरुस्त करते हैं, उसके पोस्टर नहीं बनाते, बाहर वाला बैठ के बिनोकुलर्स लेके दूरबीन लेके आज हमारी इज्जतों के साथ खेल रहा है, क्योंकि हमारे मुंह को लगाम नहीं है, नसीहत का तरीका नहीं है ये। किधर है वो अखुवत, किधर है वो भाईचारा, उम्मत काफला लेगेसी, लाखों सालों हजारों सालों का सिलसिला है पीछे, और तुझे आज की 100-150 साल पुरानी रियासत चैलेंज करके हमारे बच्चे के पैर उखड़ गए हैं, सिर्फ थोड़ी सी यूफो अंग्रेजी आई है मार्केट में, थोड़ा सा राज खत्म हुआ है, तुमने मिनट छोड़ दी, कबीला डिसाइड कर।